Assalamu alaikum, my dear students and viewers. This is class 10th, subject English, and the topic is short story out of business. We are continuing this. You know, this is the story about the Rama Rao, who is the main character here, who is not doing hard work but is looking for the shortcuts in the life. So he searched so many shortcuts but failed. Now at last, when he couldn't find any opportunity for his job, now he is going to suicide at the railway station. Now he laid himself on the railway track, now is waiting for the train to come and end his life. Now we will see what will happen. Page number 143. He lay there, he did not know how long. अब वो वहाँ पड़ा रहा, लेकिन उसको खुद भी पता नहीं कितने देर वो ये वहाँ रहा. He strained his ears to catch the sound of the train. अब वो कान खुल के सुन रहा है, कान देकर सुन रहा है कि शायद कोई ट्रेन आ रही है, लेकिन वहाँ से कोई. But he heard nothing more than a vague rattling and buzzing of. कहीं दूर से ट्रेन की आवाज़ दिखाई दे रही है, नज़दीक से नहीं. Presently he grew tired of laying down there. अब वो लेटे लेटे वहाँ थक भी चुका है, तो he rose and walked back to the station. अब उसने क्या किया, चलो मैं देख लूँ क्यों नहीं ट्रैक आ गया. अब वो वहाँ से उठ गया और स्टेशन की तरफ, रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगा. तो देर वॉज अ गुड क्राउड ऑन द प्लेटफार्म. अब वो प्लेटफार्म पर उसने बहुत से लोगों को देखा. वो रेलवे ट्रैक से सीधे चला गया रेलवे स्टेशन की तरफ. He asked someone, उसने किससे पूछा, what happened to the train? अरे भैया ट्रेन क्यों नहीं आ गई. उसको खुदकुशी करनी थी. वो कहता है उसको कि ट्रेन क्यों नहीं आ गई आज. A goods train has derailed 3 stations off and the way is blocked. तो किसी ने उसको बताया कि एक मालबरदार गाड़ी जो है, गुड्स ट्रेन, मालबरदार गाड़ी, उसको 3 स्टेशन से पहले एक्सीडेंट हो गया, वो डिरेल हो गया, वो पटरी से गिर चुकी है, तो इसीलिए वहाँ रास्ता ब्लॉक है. दे हैड सेंट अप रिलीफ. अब इसको रिलीफ भेज दिया गया वहाँ, इसीलिए ट्रेन नहीं आई. ऑल द ट्रेन विल बी एट लीस्ट 3 hours लेट टूडे. आज की जो सभी जो ट्रेनें हैं वो 3 घंटे लेट पहुँच जाएंगे. नाउ रामा राव, गॉड यू हैव शोन मी मर्सी. अब रामा राव को ये पता चला कि अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो शायद मेरी ज़िंदगी का खात्मा हुआ होगा. तो इसीलिए उसने कहा, गॉड यू हैव शोन मी माई मर्सी. रामा राव क्राइड एंड रैन होम. अब वो चिल्लाता है और घर भागता है, कहता है कि ए अल्लाह, आपने मुझ पर रहम किया है, मुझ पर अपने फजल किया है. तो क्योंकि अगर ये ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होता तो शायद रामा राव का खात्मा हो चुका होता. हिज वाइफ वॉज वेटिंग एट द डोर लुकिंग डाउन द स्ट्रीट्स. अब इसको जो बीवी है वो घर में अकेली थी और वो क्या, वो वेट कर रही थी उसको उस कोचे में, अपने उस गली में. शी ब्राइटनड अप एंड साइट विद रिलीफ ऑन सीइंग रामा राव. अब चूंकि बहुत देर हो चुकी थी जब उसने रामा राव को नहीं देखा, तो अब जब उसने रामा राव को देखा अब वो बहुत ही खुश हो गई. तो शी वेलकमड विद अ वार्म हिम विद वार्मथ ही हैड नेवर नोन फॉर अ ईयर नाउ. अब इसने जैसे एक साल बाद रामा राव घर आ चुका था, इतना इस्तकबाल इसने उधर इसको किया. ओ वाई आर यू सो लेट टुडे. तो पूछा, शी आस्क्ड, इसने पूछा, अरे इतने लेट आप क्यों आ गए. आई वॉज समहाउ फीलिंग वेरी रेस्टलेस द होल इवनिंग. तो मैं तमाम शाम जो रात भर थी, तो इतने देर तक मैं बहुत ही परेशान थी. इवन द चिल्ड्रन वर वरीड. बच्चे भी परेशान हो गए थे. पुअर क्रिएचर्स. वो बहुत ही बेचारे, वो बेचारे भी परेशान थे. दे हैव जस्ट गॉन टू स्लीप. और वो अभी अभी वो सो गए. व्हेन ही सैट डाउन टू ईट शी सैड, आवर टेनेंट्स इन द एक्सटेंशन बेंगलोर कैम टू दिस इवनिंग आस्क इफ यू वुड सेल द हाउस. तो वो बैठे, जब वो खाने के लिए बैठे तो बीवी ने उससे कहा, आवर टेनेंट इन द एक्सटेंशन बेंगलोर कैम. यहाँ जो हमारा जो किरायादार था एक्सटेंशन में, वो आया था और उसने ये बोलने की, आज शाम वो आया तो उसने ये बोला कि आप तो अपने उस मकान को तो बेच तो नहीं रहे हैं. दे आर रेडी टू ऑफर गुड कैश. वो एक अच्छा रकम इसको देने जा रहे हैं. फॉर इमिजिएटली शी एडिड,
आई थिंक वी मे सेल द हाउस। तो साथ ही उसने ये कहा मुझे लग रहा है कि हमें वो बेचना चाहिए, क्योंकि घर की जो हालत है अब दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। थैंक्स।